अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने पिछली वीडियो में चैनल बनाना भी सीख लिया और वीडियो को मिक्सिंग करना भी सीख लिया, अब हम बात करेंगे कि वीडियो को हम अपलोड कैसे करें यूट्यूब पर। तो देखिए अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूट्यूब पर जाना होगा। देखिए यूट्यूब के होम पेज पर जब आप जाएंगे तो जैसे यूट्यूब की जहां से आप वीडियो प्ले करते हैं ना वहां से, यानी यूट्यूब के ऐप्स से, देखिए क्रोम ब्राउजर से भी वीडियो को अपलोड किया जा सकता है, लेकिन हम जो अपनी वीडियो अपलोड करते हैं ना इसी अपने यूट्यूब ऐप से ही डाउनलोड कर लेते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती और इससे अपलोड करना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए अपलोड करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको अपने यूट्यूब में जाना होगा या फिर अपने एसडी कार्ड में भी जा सकते हैं। तो यूट्यूब में जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर कोने में आपको एक वीडियो की तरह सिंबल भी शो करेगा। देखिए यहां पर आपका लोगो शो करेगा, यहां पर बीच में सर्च का ऑप्शन और एक वीडियो का यहां पर सिंबल शो करेगा। तो ये जो वीडियो का सिंबल है ना इसी पर हमें क्लिक करना होगा यानी अपलोड करने के लिए। तो इसके अंदर देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे में देख पाएंगे आप यहां पर चार ऑप्शन शो कर रहे हैं, आप में ये चार ऑप्शन नहीं, हो सकता है दो ही ऑप्शन शो करें, ये बाकी के दो ऑप्शन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद शो करता है। तो देखिए अगर इसमें दो ऑप्शन शो कर रहा है आप में, तो एक ऑप्शन यहां पर वीडियो का है, पहला जो ऑप्शन है वो वीडियो का है और दूसरा ऑप्शन है गो लाइव का। लाइव का मतलब आप लाइव जा सकते हैं या फिर वीडियो अपलोड करना है। तो यहां पर हमें करना क्या है, वीडियो को अपलोड करना है। तो हम इस वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जब हम वीडियो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से हमारी गैलरी खुल करके आ जाएगी। और जो हमारी गैलरी ये है कि इस गैलरी में आप कहां पर अपना वीडियो रखे हुए हैं, तो जो वीडियो रखे हुए हैं वो यहां पर हमारी, देखिए इसी वीडियो को हम अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को हमने अभी अभी बनाया है तो इसको हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो देखिए अपलोड जैसे ही करेंगे आप यहां पर देख पाएंगे आपका ये पहले वीडियो शो करेगा, थोड़ा सा इंटरनेट चालू होना चाहिए, आपका नेट चालू रहेगा तभी यहां पर वीडियो शो करता, नहीं तो देखिए अगर नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता तो ये बीच में वीडियो नहीं शो करता है। तो वीडियो शो करेगा, इसके ऊपर देखिए यहां पर कुछ नए नियम आए YouTube के जो कि यहां पर शो कर रहा है, यानी इसका मतलब ये होता है कि आपका वीडियो क्या बच्चों के लिए है या फिर 18 साल से ज्यादा वाले उम्र के लिए। तो यहां पर इसको अभी हम ध्यान नहीं देंगे, उसको छोड़ देते हैं। और उसको अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे यहां पर देख पाएंगे हमारी वीडियो कुछ इस प्रकार से भी आती है कि इसमें से कुछ आप कट करना चाहते हैं या पूरा रहने देना चाहते हैं, तो इसको पूरा रहने देना चाहिए क्योंकि वीडियो हमने पहले से मिस करके बना लिया। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो हमारी यहां पर शो करेगी ईमेल आईडी और हमारे चैनल का नाम और लोगो, यहां पर हमारा शो करेगा, ईमेल आईडी भी शो करेगी और चैनल का नाम भी शो करेगा और हमारा लोगो शो करेगा। तो इस प्रकार से, और इसके नीचे की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देख पाएंगे सबसे पहला हमारा ऑप्शन मिलेगा एक टाइटल का। ये जो टाइटल है ना, इस टाइटल में हमें लिखना होगा, लिखना क्या होगा, ये जो टाइटल में हम वो लिखते हैं जो हमारा मेन फ्रंट पे शो करेगा। मेन फ्रंट पे शो करने का मतलब समझिए वीडियो के नीचे जो शो करता है ना वही शो करेगा। ये जो हमारी वीडियो ये मोटर के बारे में है कि मोटर को या फिर मोटर हमारा मोटर क्यों चलता है, मान लीजिए इस वीडियो का जो मेन टॉपिक हमारा है कि मोटर क्यों चलता है, तो हम इसको लिख देते हैं कि मोटर क्यों चलता है। तो देखिए इसको हमने हिंदी में लिख दिया और हिंदी में लिख रहे हैं यहां पर हम हिंदी में, यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया, और इसको इंग्लिश में भी लिख देना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना चाहिए क्योंकि देखिए कुछ लोग हिंदी पढ़ते हैं कुछ लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। तो हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ में इंग्लिश लिखा होता है कुछ में हिंदी लिखा होता है, तो इसी प्रकार से ये लिख देते हैं हम बीच में थोड़ा सा कुछ अगर ऐसे लगा देते हैं और फिर थोड़ा सा हाउ टू रन मोटर ऐसे हम लिख देते हैं, मान लीजिए इंग्लिश में थोड़ा सा हाउ टू रन मोटर, तो जैसे देखिए कोई भी मोटर, तो इसको हम अभी बाद में एडिट भी कर लेंगे लेकिन इसको आपको क्लियर लिख लेना चाहिए बढ़िया से। अब देखिए लिखने के बाद ये हमारा वो वर्ड होता है, हमने आपको बताया टाइटल में कि जो हमारा फ्रंट पे शो करता है। उसके बाद हमारा दूसरा जो ऑप्शन होता है वो आता है डिस्क्रिप्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन होता है ना इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए, यानी आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है, थोड़ी सा आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, आप अपना व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, फेसबुक का अकाउंट का, जैसे वो सब जो यूजर नेम है उसका जो हमारा लिंक है वो सब यहां पर दे देते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इसको देने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने व्हाट्सएप जो हमारा है व्हाट्सएप में हम कुछ सेव करके रखें। व्हाट्सएप में सेव करने का मतलब ये हुआ ना जैसे कि कोई हम एक ग्रुप बनाए हैं और उसी ग्रुप में अपना एक मैसेज लिख करके रखे हैं और उसी मैसेज को हम क्या करते हैं अपना बार बार उठा करके पेस्ट कर देते हैं या पहले से लिखे रहते हैं, तो बाद में हमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता है। तो जो हमने एक ग्रुप बनाया अपने MI टेक्निकल के नाम से, अभी हम दिखा रहे हैं जैसे MI टेक्निकल के नाम से हमने एक ग्रुप बनाया, तो जैसे सर्च करेंगे यहां पर देखिए हमारा ये ग्रुप शो कर रहा है और इस ग्रुप में सिर्फ हमें कोई और नहीं है, सिर्फ हमें इस ग्रुप में रहते हैं और इसमें देखिए केवल ओनली यहां पर दिखा देख पाएंगे इस ग्रुप में केवल यू लिखा है, यानी केवल हम ही है और कोई नहीं है। तो यहां पर देखेंगे ये जो हमारा मैसेज है इसको हम यहां पे क्लिक करते हैं, इसको 3 डॉट पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं फिर से अपने यूट्यूब वाले चैनल पर और जो हमारा जहां पर हम वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो देखेंगे यहां पर ये जो डिस्क्रिप्शन है ना इस डिस्क्रिप्शन में हम ऐसे क्लिक किए रहते हैं टच किए रहते हैं और फिर पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहां से हम पेस्ट कर देते हैं। हमें देखिए ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता, जैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारे इंस्टाग्राम की आईडी, चैनल का
और फेसबुक का, हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल का, उन सब के बारे में यहाँ पर हम पूरा विस्तार से लिखे हुए हैं। और इसके अलावा भी इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे कुछ लिख सकते हैं, आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं। इसमें भी देखेंगे हम लिखे हैं, हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस चैनल एम आई टेक्निकल में। इस चैनल में आपको टेक्निकल मशीनों से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो इन सब से संबंधित देखिए यहाँ पर लिखे हैं, हम एक बार इसको बैक कर लेते हैं। और देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो नीचे है इसके बाद जो हमारा ऑप्शन शो करता है, यहाँ पर देख पाएंगे एक ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर लिखा है प्राइवेट। अब ये प्राइवेट का मतलब समझिए, देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं अगर तो हमारे सामने देख पाएंगे कि प्राइवेट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे पास कई ऑप्शन है, प्राइवेट है, अनलिस्टेड है और पब्लिक है, तीन ऑप्शन है, तीनों के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए पब्लिक का मतलब यह होता है कि अगर आप पब्लिक करके वीडियो को अपलोड करते हैं तो लोगों के मोबाइल में अभी नोटिफिकेशन जाएगा और लोग इसको अभी देख पाएंगे, जब मर्जी इसको अभी मतलब अभी से देखना वो लोग शुरू कर देंगे, यानी डायरेक्ट दुनिया देखेगी, पब्लिक के बीच में जाएगी। और जो दूसरा हमारा है अनलिस्टेड होता है, अनलिस्टेड का यूज हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए स्पॉन्सर वगैरह मिलता है, अनलिस्टेड पे वीडियो आप अपलोड कर देंगे तो किसी को इसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप इसका लिंक जिसको शेयर करेंगे सिर्फ वही देख सकता है, बाकी कोई और इसको नहीं देख पाएगा। इसके बाद हम बात करें देखिए प्राइवेट का, तो प्राइवेट का मतलब ये होता है कि अभी इसको कोई नहीं देखेगा, सिर्फ आप देखेंगे, इसको कोई नहीं देख सकता, अपलोड हो जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं, हम जब भी अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं ना अधिकतम तो प्राइवेट करके अपलोड कर लेते हैं जहां पर नेटवर्क बढ़िया पकड़ता है, और बाद में जब मर्जी हो इसको पब्लिक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता तो आसानी से बाद में हम इसको पब्लिक कर देते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, अभी इसको प्राइवेट पे ही रहने देते हैं, आप इसको चाहे तो पब्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लोकेशन की बात है, तो यहां पर आप लोकेशन में कुछ सेट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम अपने लोकेशन की बात करें तो हमारा इंस्टीट्यूट भी लोकेशन में शो करता है। देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले हमने एवाई टेक्निकल थोड़ा सा डाला तो यहां पर हमारा लोकेशन शो करा है, हम चाहे तो ये लोकेशन भी डाल सकते हैं, ये हमारे कोचिंग सेंटर का ही लोकेशन है, यहां पर हम डाल करके बाद में हम इन सबको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जब हमारा कंप्लीट हो जाए तो आप यहां पर कोने में देखेंगे अपलोड का ऑप्शन है, कुछ वीडियो कुछ चैनल में अपलोड का ऑप्शन नहीं होता है, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे तीर की तरह बना होता है, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो वीडियो है वो अपलोड होने लगी। अपलोड होती जब वीडियो है ना तो सबसे पहले देखिए अपलोडिंग पे प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग का मतलब ये समझिए, जैसे देखिए इसमें क्या होता है, ये ग्रीन कलर का जो पूरा हो रहा है ना, तो ये ग्रीन कलर का मतलब है कि अभी ये वीडियो को चेक कर रहा है कि कहीं आपकी वीडियो कॉपीराइट तो नहीं है, वीडियो में कुछ आपके और तो नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो चैनल है पहले चेक होता है वीडियो, उसके बाद ये प्रोसेसिंग करके अपलोड हो जाता है। तो जब अपलोड हो जाता है उसके बाद हम जा करके इसको पब्लिक कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, इसको एडिट कर लेते हैं, क्रोम ब्राउजर से भी कर लेते हैं। वाईटी स्टूडियो नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको भी चलाना जरूरी है, जितने भी यूट्यूबर है सारे लोग उसको रखते हैं कि उसमें कितने चैनल कितने सब्सक्राइबर वो सब शो करता है, उसके बारे में भी हम कभी आपको विस्तार से बताएंगे कि उसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, कैसे कितना हमारा पैसा आ रहा है, कितने वॉच टाइम मिनट हो रहा है, वो सब उसमें शो करता है। तो अगर आपको वीडियो अपलोड करना का वीडियो ये समझ में आए, किसी प्रकार का सवाल है सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।